वीवो के फोन से आप 4K के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। वाह भाई वीवो वालों मजा आ गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो काफी कमाल के स्मार्टफोन्स के बीच में, जिसमें पहला स्मार्टफोन है OnePlus Note 2 CE वर्सेस Vivo V23 5G स्मार्टफोन, और आपको बताएंगे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में से किसका कैमरा ज्यादा बढ़िया, किसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया, या ओवरऑल कौन सा फोन यहाँ पर ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले दोनों ही फोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूंगी OnePlus के अंदर 6.43 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ Vivo के अंदर हमें 6.44 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो यानी कि दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले दोनों ही फोन्स की लगभग एक जैसी है। और वहीं दोस्तों अगर मैं पिक्सल डेंसिटी की बात करूं तो 409 PPI की पिक्सल डेंसिटी हमें दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाती है। बॉडी रेशियो की बात की जाए तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो OnePlus के फोन का 84.9%, वहीं दूसरी तरफ Vivo के फोन का 88.0%। यानी कि दोस्तों बॉडी रेशियो के मामले में Vivo का फोन यहां पर काफी जबरदस्त परफॉर्म करता है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो की बात करूं तो वो दोनों ही फोन्स में है 20:9। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों ही फोन्स के अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की। तो आपको बता दूं कि OnePlus का फोन Android 11 के साथ में आता है, जो कि ऑक्सीजन OS 11 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ Vivo का फोन Android 12 के साथ में आता है, जो कि FunTouch 12 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ओवरऑल जो Vivo का फोन है ना, वो Android 12 के साथ में आना काफी अच्छी बात है। चिपसेट की बात करते हैं दोस्तों तो OnePlus के अंदर Dimensity 900 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ Vivo के अंदर हमें Dimensity 920 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों चिपसेट के मामले में Vivo का फोन यहां पर जबरदस्त है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं दोनों फोन के एंटूटू स्कोर की बात करूं तो OnePlus का एंटूटू स्कोर आता है 4,80,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Vivo का आता है 5,00,000 के करीब। यानी कि एंटूटू स्कोर भी Vivo के फोन का ही ज्यादा है। स्टोरेज टाइप बात करें तो दोस्तों OnePlus के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ Vivo के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों ही फोन्स LPDDR4X RAM को सपोर्ट करते हैं। कैमरा सेटअप की बात करें तो दोस्तों दोनों ही फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का। और साथ ही दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा से 4K कर सकते हैं। स्लो मोशन मोड यहां पर दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं, और साथ ही स्टेबलाइजेशन के लिए हमें दोनों ही फोन्स के अंदर EIS टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोस्तों OnePlus के अंदर हमें सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Vivo के फोन के फ्रंट में 2 कैमरा दिए गए हैं, जहां पर मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का। भाई फ्रंट कैमरा के मामले में तो Vivo वालों ने यहां पर कमाल ही कर दिया, क्योंकि 50+8 का कॉम्बिनेशन दिया है ना इन्होंने, यार नेक्स्ट लेवल है। और साथ दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो OnePlus के फोन से आप 1080 पिक्सल पे कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ Vivo के फोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। वाह भाई Vivo वालों मजा आ गया। बैटरी की बात करें तो दोस्तों OnePlus का फोन 4500mAh की बैटरी के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Vivo के फोन के अंदर 4200mAh की बैटरी दी गई है। और वहीं अगर मैं फास्ट चार्जिंग की बात करूं तो OnePlus का फोन 65W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Vivo का फोन 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों फास्ट चार्जिंग के मामले में कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों स्मार्टफोन्स में। और साथ ही दोस्तों वायरलेस चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहां दोनों फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। और वहीं अगर मैं NFC की बात करूं तो OnePlus का फोन तो NFC को सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ Vivo का फोन NFC को सपोर्ट नहीं करता है, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि 3.5mm का हेडफोन जैक OnePlus के फोन के अंदर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन 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 Vivo के फोन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। स्पीकर्स की बात अगर मैं करूं तो दोस्तों दोनों ही फोन यहां पर सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। सिंगल स्पीकर या डुअल देना चाहिए था वैसे दोनों ही कंपनीज को। खैर दोस्तों अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों ही फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि OnePlus के फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 23,990 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 29,990 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों ऐसी फोन्स के इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।